हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कलेजी पेठा बना के दिखाएंगे। उसके लिए हमने 1 kg कलेजी पेठा लिया, ये देखें। और हमने इसे 2 से 3 पानी से वॉश किया है, ये देखें। हमने वॉश किया है, इसे साफ़ सफाई कर लेंगे अच्छे से कलेजी पेठा को, ठीक है। इसे हमने 2 से 3 पानी से साफ़ किया है। अरे कलेजी है, कलेजी पेठा साफ़ किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे, इसमें नमक भी डाल देंगे, आप जितना स्वाद के मुताबिक डालना चाहते हैं। इंडियन फूड है, जैसा कि बहुत सारे इंडियन फूड्स हैं, कलेजी पेठा हो या चिकन में हो, हम जैसा कि कलेजी पेठा आपको बना के दिखाएंगे मसाले में। जैसा कि हम कलेजी पेठा कुकर में बना रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी गल जाए और आसानी से बने। 10 सीटी कम से कम इसमें हम लगाएंगे, इसके बाद उतारेंगे। प्याज भी इसमें डाल देंगे, कम से कम 10 सीटी लगाएंगे हम कुकर में ताकि जल्दी से गल जाए कलेजी पेठा। और थोड़ा पानी भी डाल देंगे गलाने के लिए। मसाला रेडी करेंगे, उसके लिए हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें प्याज एक डालेंगे काट के, उसे ब्राउन करेंगे। ये हमने मसाला लिया है, इसमें गरम मसाला डाला 1 चम्मच, हल्दी है, मिर्ची है, लाल मिर्च पिसी हुई, और इसमें हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर है। आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। इसे 10 से 15 मिनट हम मसाला भून लेंगे। इसमें हमने आलू भी डालना है, आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं 2 से 3 आलू। 15 से 20 मिनट हम इसे भून लेंगे ताकि आलू भी हमारा गल जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें, 10 से 15 मिनट हमने इसे भूंजा था। और ये कलेजी पेठी है, जैसे कि हमने 10 सीटी कुकर में लगाया था, इसे उबाला था हमने, देखें। अब इसमें हम डाल के 10 मिनट इसमें और पकाएंगे, 10 मिनट इसे और हम पकाएंगे। इसके बाद हमारा जो रेसिपी है कलेजी पेठा का, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा हम बना लेंगे। तो देखिए, हमने 15 से 20 मिनट इसे कलेजी पेठा जो है मसाले में इसे हमने भूंजा था, ये देखो। और ये हमारी जो रेसिपी थी बन चुकी है, काफ़ी शानदार है, बेस्ट है कलेजा पेठा, जैसे हमने आपको बना के दिखाया और किया। मसाले में है पूरा कलेजा पेठा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।